के महान धावक मिल्खा सिंह का कोरोना के कारण 91 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता था। मिल्खा सिंह के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शोक जताया है। कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें PGI चंडीगढ़ में भर्ती किया गया था। 5 दिन पहले उनकी 85 वर्षीय पत्नी का भी कोरोना से निधन हो गया था। रात तकरीबन 11:24 पर उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन के साथ भारतीय खेल के एक युग का अंत हो गया। इस दुखद सूचना से देश और दुनिया के खेल प्रेमियों में शोक की लहर फैल गई। फ्लाइंग सिख का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। उनका बचपन या कहें धावक बनने से पहले उनकी जिंदगी कांटों भरी थी। 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, में एक सिख राठौर परिवार में मिल्खा का जन्म हुआ था। वे अपने माँ बाप की कुल 15 संतानों में से एक थे। मिल्खा सिंह ने अपने करियर में कई खिताब जीते। मिल्खा सिंह ने 1956, 1960 और 1964 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 1960 रोम ओलंपिक का नाम आते ही मिल्खा सिंह की 400 मीटर की फाइनल रेस की यादें ताज़ा हो जाती हैं। अपनी 80 अंतर्राष्ट्रीय रेस में उन्होंने 77 रेस जीती, लेकिन रोम ओलंपिक का मेडल हाथ से जाने का गम उन्हें जीवन भर रहा। उनकी आखिरी इच्छा थी कि वह अपने जीते जी किसी भारतीय खिलाड़ी के हाथों में ओलंपिक मेडल देखी, लेकिन अफसोस उनकी अंतिम इच्छा उनकी जीते जी पूरी ना हो सकी। हालांकि मिल्खा सिंह की हर उपलब्धि इतिहास में दर्ज रहेगी और वो हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगी। हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, अजम हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने। जो लोग सिर्फ भाग्य के सहारे रहते हैं वो कभी सफलता नहीं पा सकते। एक इंटरव्यू में मिल्खा सिंह की कही ये बातें उनके संघर्ष के दिनों से सफलता के शिखर तक पहुंचने की कहानी को बयां करती।